सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ी कामयाबी। पुलिस ने गिरफ्तार किए तीन और आरोपी। पंजाब और दिल्ली पुलिस को यह कामयाबी मिली है। कपिल पंडित, दीपक मुंडी और राजेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। दीपक मुंडी पर गोली चलाने का आरोप लगा है। कपिल पंडित और राजेंद्र पर मदद करने का आरोप है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली और पंजाब पुलिस को ये कामयाबी मिली है। तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कपिल पंडित, दीपक मुंडी और राजेंद्र, जिसका नाम है। इन तीनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो एक बड़ी कामयाबी। और ये बताया जा रहा है कि दीपक मुंडी ने गोली चलाई थी। कपिल पंडित और राजेंद्र, इन दोनों ने मिलकर दीपक की मदद की थी। और डीजीपी पंजाब ने इस बात की पुष्टि की है। डीजीपी पंजाब ने बाकायदा ट्वीट किया है, जिसके जरिए उन्होंने ये इंफॉर्मेशन साझा की है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है। इन अ मेजर ब्रेक थ्रू पंजाब पुलिस इन अ जॉइंट ऑपरेशन विद सेंट्रल एजेंसी, उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस के साथ जो जॉइंट ऑपरेशन था उसके तहत ये बड़ी कामयाबी मिली है। दीपक मुंडी और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, एक बड़ी कामयाबी है, धीरे धीरे सुलझता जा रहा है ये केस, इन तीनों की क्या भूमिका रही? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो कि दिल्ली पुलिस और के साथ में पंजाब पुलिस का ये पूरा, उसके बाद में इसको जो कि नेपाल से इसको गिरफ्तार किया है, जिसमें दीपक मुंडी है, जिसने बोलेरो कार में सवार था, जिस दौरान जो है सिद्धू मूसेवाला पर जो फायरिंग की गई थी उसमें बोलेरो जो कार इस्तेमाल की गई थी उसके अंदर ये बैठा हुआ था और इसी ने उतर करके जो कि सिद्धू मूसेवाले थे उसके ऊपर फायरिंग की थी। और इसको नेपाल से गिरफ्तार किया है और उसी के साथ में कपिल पंडित है और दूसरा जो कि तीसरा जो कि शख्स है उसका नाम राजेंद्र है। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इन और बाकी जो लोग हैं जिसमें कपिल पंडित और ये जो है राजेंद्र, ये इसको सहयोग कर रहे थे छुपाने में। और इस पूरे मामले में कई जो गिरफ्तारियां हैं वो पहले ही कर चुकी है पंजाब पुलिस और उसी के साथ में दिल्ली पुलिस की जो टीम है स्पेशल सेल, उन्होंने इसमें गिरफ्तारी की है। और गिरफ्तार जो लोग फरार हैं जो कि इनको सपोर्ट कर रहे थे इन बदमाशों को छुपाने के लिए, उनकी जो गिरफ्तारी है वो लगातार की जा रही है। जी नीरज, क्या ये नेपाल भागने की फिराक में थे क्या ये तीनों आरोपी? जो जानकारी मिली है कि ये पूरा जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें पंजाब पुलिस और इसी के साथ में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम थी। इनको ये जानकारी थी कि ये जो है नेपाल में छुपा हुआ है, उसके बाद में वहां पर पहुंचती है पुलिस अपने ज्वाइंट ऑपरेशन कि ये जो शख्स है दीपक मुंडी इसको गिरफ्तार किया जाता है। इसके साथ में बाकी इसके दो और लोग थे उनको भी जो कि गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ में इस पूरे मामले में करीबन 20 से ज्यादा जो गिरफ्तारियां हैं वो हो चुकी हैं, जिसमें कई जो बदमाश थे उनको जो कि पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, उनके जो सहयोगी थे जो कि छुपाने में मदद कर रहे थे उनको पुलिस पहले ही इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। जी ठीक है नीरज, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो डीजीपी पंजाब पुलिस ने भी ये कन्फर्मेशन दिया है ट्वीट के जरिए, उन्होंने ये जानकारी साझा की है कि कपिल पंडित, दीपक मुंडी और राजेंद्र, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। कपिल पंडित और राजेंद्र ने दीपक की मदद की थी, दीपक ने गोली चलाई थी, ये जानकारी मिल रही है। सिद्धू मूसेवाला केस में बड़ी कामयाबी। तो धीरे धीरे ये हत्याकांड अब सुलझता हुआ जा रहा है। कई आरोपियों को इससे पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है और उसके बाद कड़ियों को जोड़ा जाएगा और फाइनली जो कंक्लूशन होगा कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई थी सिद्धू मूसेवाला को मारने की।